अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफियाज कुक हाउस में आप सभी शेफ्स का वेलकम। सोफियाज कुक हाउस में आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के मौके पे एक स्वीट डिश बनाएंगे। इस कोविड के मौके पे हम लोग बाहर जाकर के इंडिपेंडेंस डे नहीं मना सकते, तो एक अच्छी सी स्वीट डिश आपको बना के दिखाएंगे और अपने घर में ही इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तिरंगा स्टाइल में हम बनाएंगे ट्राइफल। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको स्वीट डिश बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए देखें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये प्लेन केक घर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये हमने रेडीमेड पाउंड केक लिया वनीला फ्लेवर। और इसके लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून शक्कर, और ये ग्रीन्स का ये जेली है, ये हमने लिया ग्रीन कलर, और ये येलो कलर, ये 5 टेबल स्पून है। 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, फ्रेश क्रीम, कोई सी भी फ्रेश क्रीम ले लें आप, वाइट टच देने के लिए हमने ये फ्रेश क्रीम ली है, आप 10 पैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर मिल्क। तो हम सबसे पहले जेली को सेट करते हैं, इसलिए कि जेली को सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटे। तो सब इसमें हम सबसे पहले गर्म पानी डालेंगे 1 कप, गर्म पानी जाएगा इसमें। और इसको दोनों जमाने के लिए दोनों को अलग अलग स्पून यूज करेंगे हम लोग। और इसमें येलो कलर जो है इसको हम थोड़ा सा ऑरेंज टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जर्दी वाला कलर ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये दोनों को अलग अलग स्पून यूज करना है, और जब तक ये इसके अंदर वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगा, ठंडा पानी नहीं ऐड करना है। अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है अच्छे से, तो हम इसमें 1 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे। देखें इसमें हमने कलर ऐड किया है, ये पाइनएप्पल फ्लेवर था, इसको हमने थोड़ा सा 4 कलर ऐड कर दिया इसमें। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, और फिर उसके बाद कस्टर्ड बना लेंगे। तो देखिए दूध को हमने चढ़ा दिया है पकने के लिए, दूध गर्म हो चुका है। और कस्टर्ड को हमेशा डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको ठंडे दूध में घोल लेना है 3 से 4 टेबल स्पून या 1/2 कप में, और फिर उसके बाद ऐड करना है, वरना इसमें लम्स बन जाएगा। तो हमेशा कस्टर्ड को घोल करके फिर ऐड करें। 1/2 कप मिल्क में हमने इसको घोल लिया है, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सही से मिक्स नहीं हुआ, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही ऐड करेंगे हम लोग। डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम, इसमें छान लेंगे, और इसी वक्त हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। परफेक्ट बिल्कुल ये अभी बनेगा। तो देखिए कस्टर्ड पूरा अच्छे से बन चुका है, और ये इतना ही थिकनेस होनी चाहिए, इसलिए कि जब हम उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा पतला हो, ताकि वो केक में जस्ट करेगा तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। चलो तो फिर इसको डालते हैं इसके ऊपर। तो ये हम लोग केक को कैसे इसमें सेट करेंगे, तो केक को इस तरीके से काट के बराबर से, और पूरी एक ही तरह की थिकनेस होनी चाहिए। कस्टर्ड को पूरी तरीके से इस पे पूरा अच्छे से, और इसको भी फ्रिज में रख देंगे, और ये 1 घंटे में सेटल हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम लोग लेयरिंग करेंगे। तो देखिए ये कस्टर्ड सेट हो चुका है इस पे, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये क्रीम। तो इसमें हमने 1 टीस्पून शक्कर मिक्स कर लिया, आपके ऊपर है, अगर ऐड करना चाहे ऐड करें, नहीं ऐड करना चाहे ऐसे प्लेन रखें। और क्रीम के लिए ये कि क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, विप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर टिन पैक में जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत ही सफाई से लगाना है। तो देखें ये क्रीम हमने सेट कर दिया है, और हमेशा मीठा बनाने के लिए, खास करके इस तरीके के मीठे बनाने के लिए हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता। तो थोड़ा वेट कर करके कि एक चीज़ सेट हो जाए, फिर आप दूसरी चीज़ करें। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम काट के दिखाते हैं जेली को कैसे काटना है।
और ट्राइफल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे कि कितने सारे फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं इसमें और कितनी लेयरिंग होती है, तो कभी वो भी बना के दिखाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और इसका पूरा क्रिस्टल लुक आ जाएगा। ये देखिए, चलें देखें, हमने निशान लगा लिया बराबर से ताकि मेरा जो है फ्लैग का लुक आए इसमें थोड़ा, और हम उसी हिसाब से इसको जेली को डालेंगे इसके ऊपर बहुत बराबर से ताकि बिल्कुल क्लीन लुक आए इसमें। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेशन इसका कर सकते हैं, लेकिन तो चले फाइनल टच इसका मेन जो है ये, इसको हमने वो किया है, पाइनएप्पल नीचे रखा है और ऊपर ग्रेप से काट के इसका चक्र बनाया है। तो आप लोग देखें, ये फाइनली मेरा डिजर्ट तैयार हो गया इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। और आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपनी फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज़ को खास में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।